जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात हैं वो आम आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। जहां पर ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की गई है, वहां पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी आज से बज़ाब्ता तौर पर 10% जो किराए हैं रेलवे के तमाम क्लासेस में, जिसमें इकोनॉमी क्लास और जो बिज़नेस क्लास है, एयर कंडीशन हैं, उसमें भी जो है वो 10% किरायों में कमी कर दी गई है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए, जहाँ पर जो किराया था उसमें 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की जो कमी है वो देखी जा रही है, और इसके साथ साथ जो बिज़नेस क्लास के टिकट्स हैं उनमें भी 10% कमी गई है, जो बड़ी कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान रेलवे के इस इकदाम के हवाले से मुसाफिर क्या कहते हैं, हम इनसे जानते हैं कि किरायों में 10% कमी की गई है। क्या कहेंगे जी, कमी का ऐलान हुआ है, 10% आज से इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, किस तरह से इस इकदाम को समझ? पाकिस्तान में गरीब आबादी के लिए अगर ये किसी वजीर ने या किसी पंजाब की किसी गवर्नमेंट ने अगर किसी कमी का ऐलान किया है तो वो गरीब लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और इससे गरीब लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। यहाँ रोज़ाना ये गरीब लोग जो है ना इकोनॉमी में सफ़र करते हैं, इनका इतना बजट नहीं होता है। जी देखिए जी, जो मुसाफिर हैं वो इस फैसले को, रेलवे के इस फैसले को बड़ा शाइंदा करार दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जितनी भी कमी जो की जा रही है किरायों में की गई है, जिसका आज से इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है, अमल दरामद भी शुरू हो गया है, ये गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। जहाँ पर जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, तमाम अज़ला की ज़िले इंतज़ामिया की पंजाब की जानिब से जो बसेज़ हैं उनके किरायों में कमी का ऐलान किया गया है, वहीं पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक दफ़ा फिर से जो अपने जो किराए हैं उनमें 10% जो कमी है वो कर दी गई है, जिसका आज से अमल दरामद भी शुरू हो गया है। जी।